तो आइमा के आने से क्या चेंजिंग हुई है बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं तो जनाब ये चेंजिंग हुई है ये दोनों हाथ आप मेरे देख लें क्या इमिग्रेशन क्या ऐसे ही रहेगा या थोड़ा स्पीड अप होगा या अच्छा होगा देखें सो हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो जनाब पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे तो बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और परेशान भी हो गए हैं कि अब होगा क्या होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मैसेज करते हैं कि यार इमिग्रेशन कहीं रुक गई है बंद हो गई है या आईमा आई आए है तो क्या होगा और कैसे होगा और कितनी देर में अब रेजिडेंस कार्ड मिलेगा और ई आना क्यों बार बार बंद हो जाती है तो आपको एक एक चीज़ गाइड करने लगाऊँ क्योंकि यहाँ पर जनाब इमिग्रेशन का और गवर्नमेंट का और एक एक चीज़ का आपस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और क्लैश होने लग गए हैं एनी वे आपको समझाता हूं एक एक चीज अगर तो आपने चैनल को सब्सक्राइब वो अपने वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं जैसा कि आप सबको पता है कि पुर्तगाल में सिर्फ खत्म हो गया और आइमा आ गया और सब लोगों को पता था कि आइमा अपना काम बहुत अच्छे से करेगी और आइमा ने कुछ चीजें चेंज की और उसके ऊपर बहुत जल्दी वर्कआउट भी किया लेकिन इसके बाद हुआ क्या है कि अभी ईमेल आना बंद हो गई है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग दरा दर पुर्तगाल में आ रहे हैं और पुर्तगाल में जनाब बहुत ही ज़्यादा आजकल मसाइल भी पैदा हो गए हैं इमिग्रेशन को लेके इमिग्रेंट्स को लेके क्योंकि यहाँ पे लोग कम चाहिए थे और लोगों का पहाड़ यहाँ पे आ गया जिनमें जनाब हम भी हैं सारी दुनिया है लेकिन क्या करें अभी पुर्तगाल और स्पेन हमारे पास चॉइस ही ये दो कंट्री हैं कि हमें ये दो कंट्री रेजिडेंस कार्ड देते हैं पेपर देते हैं तो सारी दुनिया ने इन ही दो कंट्री का रुख कर लिया है सिर्फ ख़त्म हो के आइमा आने वाली थी तो आइमा ने भी अनाउंस किया था यहाँ की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि पुर्तगाल का इमिग्रेशन का प्रोसेस वो रॉकेट बना देंगे बहुत अच्छा बना देंगे लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि जनाब इनका आई टी सर्व अभी भी काम नहीं कर रहा तो आईमा के आने से क्या चेंजिंग हुई है बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं तो जनाब ये चेंजिंग हुई है ये दोनों हाथ आप मेरे देख लें ठीक है जैसे हमको ये दिखाया गया था वैसा काम हुआ नहीं है ये भी हाथ सेम है वो भी हाथ सेम है जैसे चीजें पहले थी वैसे ही अभी होना स्टार्ट हो गई हैं क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद लग गई थी कि यार अभी तो कार्ड छः आठ महीने में मिलना लग जाएगा लेकिन मैंने आपको तब भी बोला था कि आपको इतना भी रॉकेट इतना भी फास्ट प्रोसेस नहीं हुआ कि जनाब आपको छः आठ महीने लग जाएंगे पता नहीं लोग भी अजीब अजीब वीडियोस बना देते हैं तो मैं समझता हूँ आप लोग की इधर उधर की वीडियोस भी देखते हैं तो फिर उसके बाद आप लोग मैसेज करते हैं कि यार इतना प्रोसेस फास्ट हो गया तो जनाब मैंने आपको हमेशा कहा है प्रोसेस फास्ट हुआ है लेकिन फिर भी आपको 18 से 20 महीने आराम से लग जाएंगे तो अगर कोई इंसान आपको यह कहे कि आपका टी कार्ड आपको छः महीने में तीन महीने में मिल जाएगा तो समझो वो आपको चिपका रहा है ठीक है और यहाँ पे अभी पुर्तगाल में प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा हो रही है इसलिए ज्यादा टाइम लगना स्टार्ट हो गया क्योंकि जनाब यहाँ पे गवर्नमेंट का इमिग्रेशन वालों के साथ समझ लो कि यार क्लैशेज चल रहे हैं गवर्नमेंट के आपस में क्लैशिश चल रहे हैं जैसे कि हमारे इंडिया पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश में चलते हैं तो यहाँ पे करप्शन भी होती है यहाँ पे भी सब चीज़ें होती हैं और कुछ लोग इमीग्रेशन को सपोर्ट करते हैं इमिग्रेंट्स को सपोर्ट करते हैं और एक पार्टी है जो इमीग्रेशन और इमिग्रेंट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती तो इस वजह से यहाँ पे दोबारा वोटिंग भी अभी होने वाली है दोबारा वोट्स भी डलेंगे और इस वजह से चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो गई हैं और वैसे भी इनका जो आईटी टी सर्व है जो जैसा कि सेफ का आईटी टी सर्व कभी कभी काम करना है छोड़ ही देता था लोगों को ईमेल आना बिल्कुल बंद हो जाती थी तो जनाब फिर से वही होना स्टार्ट हो गया हम लोगों ने उम्मीद लगाई थी क्योंकि यहाँ पर उन्होंने खुद कहा था एक एक चीज़ कि हम भाई ये जो तीन लाख सत्तर हज़ार लोग हैं तीन लाख बीस हज़ार लोग हैं सबको रेजिडेंस कार्ड देंगे लेकिन मैंने आपको तब भी कहा था कि जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता जनाब एक रिपोर्ट के मुताबिक जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उसने फिर से सेफ से को रेफर कर दिया है लेकिन अभी सेफ कभी भी वापस नहीं आ सकती उन्होंने बस ये कहा है कि आप बहुत कह रहे थे कि हाँ भाई आइमा आईमा आइमा तो आइमा आके फिर भी कुछ नहीं हुआ कोई इतना हस डिफरेंस तो हमें दिखाई नहीं ऊपर से और ज़्यादा प्रोसेस स्लो हो गया है तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के लेवल पे अभी ऊपर आ गई हैं एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ आज जनाब जिन लोगों के रेजिडेंस कार्ड एक्सपायर हो रहे हैं उनको भी डेट्स फ़िलहाल नहीं मिल रही उन्होंने आई आर एन यहाँ पर उन्होंने एक ऐप निकाली है। सीगा ऐप आप, आप वो डाउनलोड कर सकते हो लेकिन वो अभी ठीक से काम नहीं कर रहा लोग ट्राई तो बार बार कर रहे हैं उनमें से एक मेरा दोस्त भी है उसका भी अभी कार्ड एक्सपायर होने वाला है इसी महीने में लेकिन उसको भी फिलहाल अपॉइंटमेंट नहीं मिली लेकिन मिल ही जाएगी देर सवेर लेकिन चीजें जैसे हमें दिखाई गई थी वैसा अभी हो नहीं रहा क्या इमिग्रेशन क्या ऐसे ही रहेगा या थोड़ा स्पीड अप होगा या अच्छा होगा देखें तो जनाब आप लोगों ने परेशान नहीं होना अभी फिलहाल नया नया सारा सिस्टम है ऐसा ऐसा ये सारी चीजें वाइंड अप हो जाएंगी अच्छी हो जाएंगी और आयमा को क्योंकि अभी नया नया है सारा सिस्टम तो आयमा को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा कि यार यार मेरे नाल होंदा की है प्यार क्योंकि जनाब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हैं कोई एक बंदा नहीं है हम इंडियन पाकिस्तानी नहीं है यहाँ पे ब्राजीलियन है मरा है पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे अपना रेजिडेंस कार्ड लेने के लिए आए हुए हैं तो इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा है लेकिन ऐसा ऐसा चीज़ें बिल्कुल अच्छी और वाइंड अप हो जाएंगी तो थोड़ा सा आप लोग भी ज़रा सब्र रख लें क्योंकि यार आप लोगों को भी ना बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है कि हाँ यार तीन चार महीने में पता नहीं तीन चार महीने से कितने था रेजिडेंस कार्ड लगना है कौन लोग ऐसा करते हैं मुझे तो नहीं पता तो एन आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन हफ्ते दो तीन हफ्ते में ये जो इमिग्रेशन का मामलात है ये अच्छे हो जाएंगे मेन के इनको अच्छे से काम करना आ जाएगा इनका जो आईटी टी सर्व है वो अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देगा मतलब कहने का ये है कि इमिग्रेशन भी अभी बंद नहीं हुई जो आप लोग मेन क्वेश्चन करते हो तो इमिग्रेशन भी अभी चालू है ओपन है लेकिन बस ये है कि अभी थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें वाइंड अप कैसे करनी है लेकिन जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस भी किया है एक रिपोर्ट के मुताबिक हम इमिग्रेशन को अच्छा बना देंगे तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान रहें और अगर कोई इंसान आपको ये कहे कि इमिग्रेशन बंद हो गई है तो आप उसको ये, ये वीडियो दिखा सकते हो ये सिर्फ यहाँ पे लोग डर का बिजनेस करते हैं कि हाँ भाई इमिग्रेशन बंद होने लगी है तो आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें ऐसा कोई चीज़ नहीं है आप अपनी मामूल के मुताबिक जैसे आपका माइंड है आप वैसे ही आए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ जिससे आप लोगों को थोड़ा सा शायद तसली हो जाएगी ठीक चार दिन पहले जनाब यहाँ पे सोशल वर्कर के साथ हमारी मीटिंग हुई थी हमारी नहीं वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा लोग थे वो के मेरे चाचे थे पुत्र नहीं ने ठीक है तो जनाब क्योंकि मेरी यहाँ पे अभी पुर्तगी लोगों के साथ ही ज़्यादा मिलना जुलना है तो वहाँ पे हम गए थे वहाँ पे जनाब सोशल वर्कर होते हैं हम बहुत डिस्कस चीज़ें करते हैं तो बहुत अंदर की वो बातें भी बताते हैं कि हाँ भाई ये अभी होगा ऐसा होना था ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पुर्तगाल की गवर्नमेंट चाहती है कि ये सारा जोन सा भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो सारा टेक्नोलॉजी में आ जाए सारा कंप्यूटराइज़ कर दें और अगर वो कंप्यूटराइज़ ठीक से और अच्छे से हो जाता है तो जनाब स्पीडअप हो जाएगा प्रोसेस तो आप लोगों को ज़्यादा वेट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस थोड़ा सा आप सब्र रख लें और ऐसा आहिस्ता सारी चीज़ें वाइंड अप हो जाएंगी तो जनाब आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले किसी वीडियो में होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जनाब मुझे ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें अल्लाह हाफिज़